अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्लेटफॉर्म जॉब। इम्पॉर्टेंट वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्वेश्चंस फॉर पाकिस्तान नेवी, आर्मी एंड पीएएफ। इस वीडियो में मैं आपके साथ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस शेयर करने वाला हूं, जो कि अगर आपने पाकिस्तान नेवी, आर्मी या पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी भी कोर्स में अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक प्लेटफॉर्म जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, इस वीडियो में मैं आपके साथ कोडिंग, डिकोडिंग एंड नंबर सीरीज लेटर सीरीज के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करूंगा। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपके जो कोडिंग, डिकोडिंग एंड लेटर सीरीज की जो टाइप है, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ फेस इज कोडेड एज 6135 देन ए सी ई इज कोडेड एज डैश। ठीक हो गया। अब इन्होंने कहा है कि फेस, एफ ए सी ई फेस लिखा हुआ है, इसको इन्होंने कोड किया 6135 के साथ। आपने करना है ए सी ई को कोड सेम किस नंबर से, आपने वो आपको ऑप्शंस गिवे हैं नीचे। अब यहाँ देखें फेस में कितने लेटर्स आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, एफ ए सी ई 4। यहाँ पे भी 6135 4 ही नंबर्स हैं। इसका मतलब ये कि एफ को इन्होंने कोड किया है 6 से, ए को कोड किया है 3 से और 1 से, और सी को कोड किया है 3 से और ई को कोड किया है 5 से। ठीक हो गया। तो अब आपने भी सेम इसी तरह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए सी ई, ए सी ई को कोड करना है। तो इस ए को किससे कोड किए थे इन्होंने, 1 से, सी को इन्होंने किया था 3 से और ई को किया था 5 से। इसका मतलब आपने यही जो यहीं से उठाने हैं लेटर्स, ये जैसे ए सी ई है, ए सी ई को आपने देखना है इन्होंने किससे कोड किया, वही आपका कोड यहाँ पे आ जाएगा। तो ए सी ई को कोड किया है 135 से। तो राइट ऑप्शन देखें आप यहाँ कौन सा है, सी 135। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एल ए सी ई एल ए सी के लैक 9381 एंड सी ए एल के 8391 देन सी के ए एल। इन्होंने इस एल ए सी के को कोड किया है 9381 से और सी ए एल के को कोड किया है 8391 से, देन आपने कोड करना है सी के ए एल को। अब देखें यहाँ पे एल ए सी के और सी ए एल के, यानी कि ये जो वर्ड है एल ए सी के बन रहा है, इसी को इन्होंने यहाँ पे सी ए एल के लिख दिया है, बाकी जो नंबर भी जो हैं वो भी यही हैं। जैसे अब आप यहाँ नोट करें एल कोड किया है 9 से, यानी फर्स्ट लेटर जो है एल है और फर्स्ट नंबर 9 है, इसका मतलब एल को कोड किया है 9 से। इसी तरह फर्स्ट सेकंड जो है ए है, यहाँ पे सेकंड देखें 3 है, ए को कोड किया 3 से, सी को कोड किया 8 से और के को कोड किया है 1 से। सेम इसी तरह यहाँ पे देखें आप सी को किससे कोड किया है 8 से, यहाँ पे सी को किससे कोड किया है 8 से। इसका मतलब जस्ट इनकी जो है सीक्वेंस, इस वर्ड को इन्होंने लेटर को आगे पीछे कर दिए, सी ए एल के लिख दिया, यहाँ पे एल ए सी के था, जबकि इनका जो कोड है लेटर्स का वो सेम ही है। जैसे यहाँ पे के का कोड जो है 1 है, यहाँ पे भी के का कोड जो है वो 1 है। तो इसका मतलब देन आपने कोड करना है सी के ए एल को। तो सी आपने देखा यहाँ पे सी को किससे कोड किया 8 से, यहाँ पे भी सी को 8 से ही कोड किया, इसका मतलब सी का 8 आ जाएगा। देन के को कोड किया है यहाँ देखें 1 से, तो इसका मतलब 81, ए को कोड किया है 3 से 813 और एल को कोड किया है 9 से, तो इसका मतलब सी के एल का आएगा 8139। तो 8139 ये आपका आंसर बन रहा है डी वाला। तो आंसर जो आ गया है राइट आंसर डी है। नेक्स्ट और देख लेते हैं एग्जांपल। If step is coded as 5631, then pets is coded as dash. अब देखें step s t e p को कोड किया 5631 से, यानी s को s फर्स्ट लेटर है,
फर्स्ट नंबर 5 है, एस को कोड किया 5 से, सेकंड टी था, टी को 6 से किया, ई को 3 से किया और पी को 1 से किया। देन पेट्स को, यानी स्टेप को आप ऑपोजिट लिखेंगे, पी ई टी एस, पेट्स बन जाएगा। इसका मतलब आपने यही नंबर ऑपोजिट लिख देने, पी को कोड 1 से किया था इन्होंने, ई को किया था 3 से, टी को किया था 6 से और एस को 5 से। इसका मतलब आपने ये पेट्स का कोड लिखना है जो कि ऑपोजिट आ जाएगा 1365 1365 B। तो राइट आंसर जो होगा वो B होगा। ओके नेक्स्ट, इफ फेलो इज कोडेड एज, एफ ई डबल एल ओ को कोड किया है 465531। इसका मतलब F को 4 से किया है, E को किया है 6 से, L को किया है 5 से, O को किया है 3 से और W को किया है 1 से। सेम इसी तरह आपने E डबल L O को कोड, यानी आपने कोड करना है सेम इसी तरह। तो आपने देखना है यहाँ पे जो E को किससे कोड किया है, 6 से किया है, इसी तरह L को 5 से किया है, O को किया है 3 से और 1 से। इसका मतलब यहाँ आपने यही चीज़ जो है इन लेटर्स को देखते हुए और इसको देखते हुए आपने लिखना है कोड। तो हम देखते हैं क्या होगा। यहाँ देखें, हमने इसका बनाना है, इन लेटर्स का ई, फर्स्ट ई है, तो यहाँ देखें ई को किससे कोड किया है, 6 से। उसके बाद जो था एल था, इसका मतलब 6 के बाद एल को कोड किया है 5 से, 655 आ जाएगा। ओ को कोड किससे किया है, ओ को किया है 3 से, तो 6553 और डब्ल्यू को 1 से किया, डब्ल्यू को 1 से, 65531 इसका कोड बनेगा, नंबर जो बनेगा 65531 ये बी आंसर जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब जो है, अब यहाँ तक जो मैंने पीछे आपको 4 क्वेश्चंस जो बताए हैं ये थे कोडिंग डिकोडिंग के। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, क्लियर हो गया होगा इन क्वेश्चंस को देखने के बाद। ओके, अब जो है नंबर्स, सॉरी लेटर सीरीज के क्वेश्चंस हैं ये। तो लेटर सीरीज में ये आपके पास लेटर सीरीज की क्वेश्चन है। यहाँ देखें आप, फर्स्ट क्वेश्चन है ई कोमा वी, देन ई कोमा डब्ल्यू, ई कोमा एक्स और ई कोमा वाई, यानी सब में ई तो कॉमन है, ये एक सीरीज है, आपने सीरीज कंप्लीट करनी है, सब में देखें ई कॉमन है। देन नेक्स्ट जो है वी आ गया, डब्ल्यू आ गया, एक्स आ गया, वाई आ गया, यानी वी, वी के बाद डब्ल्यू आता है, ये आ गया, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, फिर एक्स के बाद वाई आता है, देन नेक्स्ट आपने बताना है। तो नेक्स्ट क्या आएगी सीरीज में, सीरीज कंप्लीट करनी है, ई कॉमा जेड आ जाएगा, क्योंकि ई तो सब में कॉमन था और वाई, वाई के आगे क्या आएगा, जेड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो जेड आ जाएगा, ई जेड आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो ये ई जेड, ए पार्ट, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज। अब आपने यहाँ बताना है नेक्स्ट जो है क्या आएगा इस सीरीज में। तो यहाँ आप देखते हैं अब क्या होगा, ये एक सीरीज के मैंने बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू। अब देखें यहाँ पे बी वाई, यानी बी और वाई आ गया, देन सी एक्स आ गया, डी डब्ल्यू आ गया, ई वी आ गया, एफ यू। अब इस सीरीज को देखते हुए आपने नेक्स्ट बताने क्या आएगा। देखें लेटर यानी अल्फाबेट्स में सेकंड जो होता है लेटर वो बी होता है, इसी तरह सेकंड लास्ट जो है वो वाई होता है, तो इन्होंने इसका कम्बिनेशन बना दिया। थर्ड लेटर जो है ए बी सी में, सी सी जो है थर्ड लेटर है स्टार्ट में, और अगर हम बैक थर्ड लास्ट देखें तो वो एक्स है, ये फोर्थ जो है वो डी होता है और फोर्थ लास्ट डब्ल्यू है, फिफ्थ जो है ई है, फिफ्थ लास्ट वी है, इस तरह सिक्स एफ है और सिक्स लास्ट जो है वो यू है। तो एफ के बाद जो आएगा वो आएगा ई एफ जी आ जाएगा, और जी जो है वो सेवन नंबर पे है, सेवन्थ लास्ट जो है वो टी आ जाएगा। इसका मतलब जी टी इसका आंसर होगा। तो जी टी देखें, टी जी, जी टी और जी ओ, तो जी टी होगा, इसका मतलब राइट आंसर जो है वो ए होगा, राइट आंसर ए है। नेक्स्ट सातवां, बी डी जी के पी।
अब ये भी एक सीरीज है, फॉरवर्ड जा रही है, यानी बी, बी के बाद डी आ गया, इसका मतलब यहाँ पे सी को स्किप किया है, डी के बाद ई एफ आता है जी आ गया, पहले यहाँ पे एक लेटर स्किप हुआ जो कि सी था, यहाँ पे देखें दो हो गए हैं, जी के बाद क्या आता है ई एफ जी डी ई एफ जी, जी के बाद आता है एच आई और जे, यहाँ पे थ्री लेटर स्किप हो गए, फिर के आया, के बाद आता है एल एम एन और ओ, फिर पी आता है, यानी यहाँ पे आप एक लेटर स्किप हुआ, यहाँ दो हुई है, यहाँ तीन हुई है, यहाँ चार हुई है, इसका मतलब नेक्स्ट जो लेटर आएगा सीरीज में उसमें यानी पांच लेटर स्किप होंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट बनेगा वो यहाँ पे आप ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो पी के बाद आपने फाइव लेटर स्किप करने हैं, क्यू आर एस टी यू, क्यू आर एस टी यू स्किप करेंगे, क्यू आर एस टी यू, और नेक्स्ट जो बनेगा वो आएगा वी, तो राइट आंसर जो है वो सी होगा। तो इस तरह ये लेटर सीरीज को आपने कंप्लीट करना होता है। देखें राइट आंसर सी है। नेक्स्ट, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब यहां देखें ए सी ई और डैश, तो ए के बाद जो है बी आता है, फिर सी आता है, सी के बाद डी आता है, फिर ई आता है, ई के बाद जो है, यानी यहाँ पे एक ही लेटर स्किप हो रहा है, बी यहाँ हुआ स्किप, फिर यहाँ पे डी हुआ, इसके मतलब आपने भी एक लेटर स्किप करके नेक्स्ट बता देना है, ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये तो वेरी सिंपल, इसका आंसर जी है, यानी राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं इसका, ए सी एफ डैश, ए के बाद जो आता है वो आता है बी, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी ई फिर F आता है, यानी यहाँ एक स्किप हुआ, यहाँ दो हो गए, F के बाद क्या आएगा, F के बाद अगर हम तीन नंबर तीन लेटर स्किप करें G H I और तो नेक्स्ट जो है वो J बनेगा, इसका मतलब यहाँ पे J आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्किप हुआ, यहाँ दो स्किप करेंगे लेटर, यहाँ पे हम तीन स्किप कर देंगे, तो तब हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा वो J आएगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो D है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे लेटर सीरीज के। तो इस तरह इस वीडियो में मैंने आपके साथ कोडिंग डिकोडिंग को भी डिस्कस किया है और लेटर सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों टाइप्स जो हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स थी आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स के किसी भी कोर्स में अगर आपने अप्लाई किया तो ये क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं ज़रूर। इसके अलावा मज़ीद अगर आपको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट या नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की वीडियोस देखनी है, मज़ीद जो टाइप्स हैं उनसे रिलेटेड आपको वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वो डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके मेरी प्लेलिस्ट की जो भी वीडियोस हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। ओके, मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल से अटैच रहिए। एक और क्वेश्चन है, ये आप खुद देख लें, ए सी एफ जे और ओ, तो यहाँ पे भी यही सेम फार्मूला अप्लाई किया है, यानी स्किप कर रहे हैं नंबर को, तो यहाँ एक बी, बी एक स्किप हुआ, फिर सी डी ई दो स्किप हुई है, एफ के बाद, एफ के बाद जो है यहाँ पे जी एच आई तीन हुई है, यहाँ पे फोर हुई है, देन फाइव स्किप करके नेक्स्ट नंबर जो आएगा ओ के बाद, अगर हम फाइव स्किप करें पी क्यू आर एस टी यू वी, यहाँ पे वी आएगा, राइट आंसर इसका वी होगा, यानी फाइव स्किप करने हैं, यहाँ पे वन स्किप हुआ, यहाँ टू हुई है डी ई एफ टू हुई है, यहाँ पे थ्री हुई है, यहाँ फोर हुई है, यहाँ फाइव स्किप जब करेंगे ओ के बाद तो हमारा जो आंसर बनेगा वो जो हमारा आंसर यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है, अगर ओ के बाद हम फाइव स्किप करें पी क्यू आर एस टी तो यू बनेगा, ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ राइट आंसर इसका सी है। ओके, तो बस अगर इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुई भी है लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे लेटर सीरीज से रिलेटेड। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल से अटैच रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।